सो गाइस, अगर आप लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और एक महीने, दो महीने, चार महीने हो गए लेकिन अभी तक आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है, तो आप लोग फॉर्म भरते समय एक टिप्स, एक ट्रिक को यूज करें जिससे आप लोग का एटीएम कार्ड 110% है, आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, मेरे पास है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड का ये फॉर्म है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें इस फॉर्म को आप लोग को फिल करके दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर आप लोगों को इसमें सही करना है, कहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है जिससे आप लोग का एटीएम कार्ड धड़ल्ले से आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। देखिए, कभी कभी होता यह है कि हम लोग एटीएम कार्ड का फॉर्म भरने जाते हैं तो हम वहां पर एक जरूरी चीज लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो है, हम लोग देखिए अपने लिखेंगे कुछ नहीं इसमें, केवल अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, लेकिन कहां पर मेंशन करेंगे और इसका फायदा क्या होने वाला है गाइस, एक बेहतरीन फायदा होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये फॉर्म है, आप लोग देख सकते हो, और सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है फॉर ब्रांच यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर और कार्ड नंबर ये आप लोगों को फिल नहीं करना है, ठीक, ये दोनों बॉक्स आप लोगों को फिल करना नहीं करना है क्योंकि ये ब्रांच यूज करना है, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों को ब्रांच का नाम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर भवनी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये ठीक, आप लोग अपने ब्रांच का नाम लिख लेंगे। इसके बाद पर्सनल पार्टिकुलर्स, यहाँ पर आप लोग पर्सनल ये लिखेंगे, ठीक है, अपना एड्रेस लिखेंगे बैंक के बारे में, ठीक। और इसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना है, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, मिडिल नेम, ठीक है। इसके बाद आप लोग को अपने एटीएम कार्ड पर कैसा नाम चाहिए, ठीक है। सपोज दैट अगर आपका अकाउंट में नाम शिवदीप है ठीक, तो और आप लोग चाहते हो कि एटीएम कार्ड पर शिवदीप कुमार आए, ठीक है, शिवदीप कुमार आए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए शिवदीप लिखेंगे। लेकिन आप लोग को अगर एटीएम कार्ड पर शिवदीप कुमार नाम चाहिए तो यहाँ पर आप लोग शिवदीप कुमार यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, शिवदीप कुमार ये लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए आप लोग अपना फादर्स नेम यहाँ पर दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे लेंगे, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। इसके बाद आप लोग देखिए मेन फंडा यहाँ पर है, ठीक, कि आप लोग को बैंक का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्लासिक कार्ड हम लोग को चाहिए, ठीक है, नहीं यहाँ पर हम लोग को चाहिए, ठीक है, सेंट कैश डेबिट कार्ड, ठीक, ये चाहिए। और कार्ड नंबर ये पूछ रहा है, एक ठो कार्ड हमें चाहिए, ठीक, दो ठो नहीं चाहिए, एटीएम कार्ड केवल एक ही चाहिए। इसके बाद देखिए मेन फंडा यहाँ पर आता है, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर लिखने का, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को देखिए लिखना ये है कि मेलिंग एड्रेस जो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में आप लोग एक काम करेंगे कि अपना जैसे एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं बभनी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पोस्ट आप लोग को लिख लेना है, जो भी आपका पोस्ट होगा, तो पोस्ट अगेन बभनी। अब देखिए इतना लिखने के बाद आप लोग एक काम करें कि जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब भी डाकिया अगर आपका एटीएम कार्ड लेकर के आता है तो अधिकतर केस में ये होता है कि जब आपको आपका एड्रेस आपके नाम से नहीं पहचान पाता है तो वो लोग करते हैं ये कि अपना एटीएम कार्ड आपका या तो रिटर्न कर देते हैं वो लोग जहाँ से एटीएम कार्ड आया रहता है, या फिर बैंक में दे देते हैं। तो ऐसे में आप लोग को एटीएम कार्ड नहीं मिल पाता है, तो आप लोग ऐसा काम करें कि मोबाइल नंबर दें जिससे एटीएम कार्ड पर ये भी मोबाइल नंबर भी छप करके आएगा एड्रेस पर। तो जैसे ही डाकिया इसे देखेगा मोबाइल नंबर को तो सिंपली आपको कांटेक्ट करेगा और आपका एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड कर देगा।